सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डन। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कुछ भी वेस्ट हम लोग के घर किचन का जो आता है उससे हम लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाएं, क्योंकि हर दिन हम मतलब ऊपर नीचे मिट्टी डालते हैं, ऊपर मिट्टी डालते हैं और उसको बहुत सारे महीने लग जाते हैं, पर इस तरीके से आपको ना जल्द से जल्द वो कंपोस्ट बन जाएगा। पर ये कंपोस्ट नहीं, लिक्विड फर्टिलाइजर है। तो ये सब छिलके, ये सेपू का पत्ता, नहीं तो कभी मतलब अलग अलग, मेरे पास ये सेपू ही था तो मैंने सेपू ही लिया। थोड़े से इसमें धनिया के भी है, पर मेरे पास जितना है इतना लिया। आपके पास और कुछ होगा, सिर्फ प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके मत डालो, बाकी सब के सब छिलके डाल सकते हो आप। ओके, और ना आप इसमें ना अभी गर्म पानी है, नहीं तो समझो आपने गर्म पानी नहीं लिया होगा ना, तो आपको ये 4 दिन तक रखना पड़ता है। पर ये मैं जो बताऊँगा वो सिर्फ रात भर के लिए रखना पड़ता है। ये लो और इसके अंदर से डिप कर दो और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ऐसा पूरा ऐसा मैं सब डाल देता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखो, ये अच्छे से मैंने इसमें सब का सब डाल दिया है। ओके, तो इसके अंदर अभी सिर्फ एडिशनल, आपको इतना ये तो इतना भी कर सकते हैं, पर एडिशनल हम डालेंगे चाय पत्ती। ये यूज़ की हुई है, इसको सिर्फ धो दिया अच्छे से, तो वो ही डालेंगे क्योंकि हम धूप में रखते, क्योंकि इसमें का सब जम्स मारने के लिए। पर इसमें भी वही होने वाला है क्योंकि ये गर्म पानी, मैं ऐसा हर टाइम करता हूँ और मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैं ये खुद घर पे 5-6 बार ट्राई किया है, मुझे समझा है कि ये एक बार डालने से इतने हरे पत्ते होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको मेरे फ्लावर्स दिखाता हूँ, ये ऐसे करके आप एक दिन के लिए ढक दो। ये देखो, ये फ्लावर है कितना क्यूट और सुंदर आया है, इसको कलियों से पूरा भर गया है प्लांट, आप देख सकते हो। और इसमें भी कलिया से पूरा ये प्लांट भर गया है। मैंने आपको बताया था इसके पीले पत्तियाँ कैसे हल करें। ये मेरा गुलाब भी कितना सुंदर दिख रहा है। ये मेरा न्यू शूट्स, ये मेरा गुलाब का कली है। और आप देख सकते हो मेरे सब प्लांट्स ऐसे ही हरे भरे रहते हैं, और मेरे थोड़े प्लांट्स नीचे भी है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है क्या नहीं। तो बहुत नीचे है प्लांट, मैं नीचे रख दिए है क्योंकि उसको अच्छे से धूप मिलना चाहिए। ये मेरे टमाटर के प्लांट्स, टमाटर के, मिर्ची के, ऐसा सब है। तो इसमें नहीं डालूंगा मैं जो सीडलिंग है, पर इसमें ऐसे मतलब बड़े बड़े पौधों में, तुलसी में, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये होने के बाद आप ये कंपोस्ट बिन में नहीं डाल सकते, आपको मैं वो सब बाद में बताऊँगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लो, वो चाय पत्ती इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और इसको आप एक दिन के लिए रख दो। अभी बजे 11 बजे दोपहर के, तो ये कल 11 बजे तक मैं ऐसे ही रखूँगा। पर कल 11 बजे तक नहीं, कल 4 बजे तक रखूँगा, क्योंकि 4 बजे डालने से ये अच्छा होता है, आपको बहुत जल्दी होगी। तो आप 5 घंटा रख दिया तभी चलेगा, पर एकदम अच्छे से सब इसमें डिजॉल्व होना चाहिए, तो आपको एक दिन तो देना ही पड़ता है। क्योंकि हम लोग ने डायरेक्ट ऐसे ही किया तो वो हमको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत गंदी बास आती है, नहीं तो 4-5 दिन रखना है, इतना पूरा सरा देना है उसको, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा था वो 4-5 दिन रख के, उसमें बहुत देखो गर्मी में वो जल्दी हो जाता है, तो ऐसे ही हम गर्मी में पानी ले लेंगे, गर्म पानी, तो इसमें भी ये जल्दी हो जाएगा ना। तो मैंने वो ट्राई किया, तो जो मुझे 5 दिन में रिजल्ट मिलता है वो मुझे 1 दिन में मिल गया, इसलिए मैं ये भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ओके, ऐसे ही करो फिर अभी मैं। हाय फ्रेंड्स, ये देखो हो गया है, ये मतलब 1 दिन हो गया, 24 आवर्स हो गए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा झाग भी आ गया है। अभी बराबर 4 बजे, मतलब 4:15 हो गए, तो 4:30 तक हम इसको दे देंगे, उसके बाद में नहीं देता मैं तो। आप 5 बजे तक भी दे सकते हैं, पर उसके बाद आप ना दें, पर दिया तभी चलेगा। पर अच्छा टाइमिंग है वो 4 से 4:30 तक, मैं आपको टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखो, बराबर 4:15 हो गए, मैंने आपको बता दिया कि इसका हमने वीडियो बनाया था, तो अभी हम इसमें मैं इसमें गाल लूँगा, फिर आपके साथ में शेयर करता हूँ। ओके, मैंने इसको अच्छे से छान लिया है, तो अभी आप ऐसे भी इसको डाल सकते हो, पर हम ऐसे इसको नहीं डालेंगे, इसमें और कुछ तो करेंगे। पर आप इतना याद रखें कि आपने इसमें चाय पत्ती नहीं डाली तब भी चल जाएगा,
आपने इसमें मैं अभी नीम और नीम का पेस्टिसाइड मैंने घर पे ही बनाया था वो डाल रहा हूँ, तो ये नहीं डाला तब भी चलेगा। और समझो आपके पास ये कुछ भी नहीं है इसमें डालने के लिए, तो आप एक काम कीजिए, सिर्फ थोड़ा सा बेकिंग सोडा, सोडा होता है ना हम लोग के खाने में जो यूज़ होता है वो एकदम थोड़ा सा डाल दीजिए, मतलब आधे से कम चम्मच डाल लीजिए, ये सबकी कमी वो पूरी करेगा। ओके, तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, इसमें मैंने ये पहले ही बना के रखा था, मैंने वीडियो भी बनाई थी इसकी, पर थोड़ी डिलीट हो गई गलती से वो। इसमें हम ये भी करते हैं, बस इतना सा पानी बस हो गया, थोड़ा सा और अंदाजे से पानी क्योंकि ऑर्गेनिक है, ज़्यादा गिर गया तभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको ये हम प्लांट्स में करेंगे, और इसके भी फ़ायदा कि इसमें आयरन होता है, पर सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, पोटेशियम प्लांट के ग्रोथ और फ्लावर्स और फ्रूट्स के लिए पोटेशियम की मात्रा भरपूर होनी चाहिए मिट्टी में, तो इसकी कमी ये पूरी करेगी। मैं हर टाइम बताता हूँ कि मैं कभी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करता हूँ तो उससे ही मुझे एकदम अच्छे से रिजल्ट मिलता है। और ये कितना अच्छा मतलब पानी हो गया, समझो आपने वो स्टेप फॉलो की जो हम 4-5 दिन के लिए ऐसे ही रख देते तो बहुत गंदा बास आता है, पर अभी आप देखोगे इसमें थोड़ा भी गंदा बास नहीं होता है, एकदम थोड़ा सा भी गंदा बास नहीं आ रहा, एकदम जैसे हम लोग का था वैसे ही बास आ रहा है। पर इसमें बराबर इसमें सब एक्टिव हो गया है, आप इसको एक दिन के लिए रख भी सकते हो, डायरेक्ट एक दिन के लिए रखेंगे तो और भी ये स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है, तो 1-2 दिन के लिए आप ऐसे ही रख सकते हो, पर अभी इसमें बास नहीं आएगी। पर मैं ऐसे ही एक्टिव कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ प्लांट्स में, तो ये भी मुझे अच्छा रिजल्ट देता है हर टाइम। और इसमें आप कुछ भी करें, ऑनियन और इसमें गैरिक के छिलके ना डालें, इसमें आप मिर्ची के टुकड़े, नहीं तो आप इसमें लहसुन के टुकड़े भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा, तो उससे क्या होगा कि इसमें ना फंगस लगने के भी चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरे भी फंगस लगने के चांसेस नहीं है क्योंकि मैंने इसमें भी नीम का स्प्रे डाल दिया है पेस्टिसाइड, पर कुछ भी नहीं। आपके पास नहीं होगा तो आप सोडा डाल दीजिए बस, बाकी कुछ नहीं डाला था, अभी एकदम परफेक्ट आपका रेडी हो जाएगा। और तब भी वो भी नहीं डाला ना तब भी चल जाएगा, सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि आप ये शाम के वक्त डालो। ओके, और इसमें आप अभी सब फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, तुलसी से लेके सब प्लांट्स में डालो, ओके। ये आप देखिए इसको कलर कैसा हो गया, अब जो जितने अलग अलग कलर के सब्जियां डालेंगे उतने अलग अलग कलर का ये पानी तैयार होके आएगा। आपने समझे इसके जगह मटर की छिलके डाले तो हरा आएगा, इसके जगह अपने मतलब जो पटेटो होता है उसके सीड्स डाले, इसका पानी ये होगा। आपको इसमें कुछ भी अंदाज नहीं है, आप जैसे पानी डालते हो वैसे इसमें डाल दो, आपको चाहिए तो इसमें और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पानी डाल सकते हो, पर मैं नहीं डालता क्योंकि जितना पोर्शन है उतने मेरे पौधों को बस हो जाता है, फिर हम ज़्यादा डालेंगे फिर वो नीचे से निकल जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको बराबर जितना मैं पानी देता हूँ उतना दे दूँगा। और इसकी मुझे जल्द से जल्द गुडाई करनी है दोनों की, क्योंकि इसमें बर्ड्स और कलियाँ अच्छे से आ रहे हैं। ओके, तो इसमें दो ग्लास परफेक्ट होता है, ज़्यादा नहीं डालने, और इसमें आप आयरन पोटेशियम बहुत भरपूर मात्रा में होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसलिए आप ऐसे करते ही रहे, आपका प्लांट बहुत अच्छा हेल्दी रहेगा। मैं आपको कुछ बनाना फिर फर्टिलाइज़र ऐसा अलग अलग कुछ ना कुछ डालते रहे, ऐसे ही मत रखें अपने प्लांट को बिना फर्टिलाइज़र के, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि फर्टिलाइज़र नहीं, पर इतना भी फर्टिलाइज़र नहीं दो कि वो नहीं चलेगा ही नहीं, थोड़ा सा ऐसे अलग अलग जो घर से आते वो तो देना ही पड़ता है आपको पौधे को। मैं थोड़ा सा इसको ये मतलब मेरे सीडलिंग को भी दे दूँगा क्योंकि ये सीडलिंग के लिए भी अच्छा ही होता है, मैंने पिछले बार भी यूज़ किया है वो, तब तो वो एकदम उसको एकदम 2 ही पत्ते थे, अभी तो 5-6 पत्ते आ गए, तो अभी इसको चल जाएगा। और समझो आपको अभी तक सीडलिंग का आपको कुछ नामो निशान नहीं है और डायरेक्ट आपने डाला तो सीड गल सकता है, तो आपको जब 5-6 पत्ते आए तभी सीडलिंग में पानी डालिए। ओके, ये ऑर्गेनिक है इसलिए आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना चाहिए उतना डालिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आपको और कुछ आइडियाज़ होगी इसके बारे में तो वो भी मेरे से शेयर कीजिए। आपको इसमें बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र बताए, फर्टिलाइज़र आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे मतलब गार्डनिंग हॉबी चैनल को ओपन कीजिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड ऐसा एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें आप जाओगे तो मैंने अभी तक जितने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ किए वो आपको सब मिल जाएंगे।
ओके आप ऐसे ही करते रहे, ये सबसे अच्छा तरीका है कि अपने प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ा दे। और आपको कुछ और कुछ भी चाहिए हो तो मेरे से भेजिए मांगिए, मुझे ज़रूर कोशिश करूँगा मैं कि मैं आपको वो वीडियो दिखा सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।